Hi everyone, we have started house property in our earlier lecture. यहाँ पर हम question number 2 house property का ले रहे हैं. जो students इस video को first time देख रहे हैं, they can check the description. वहाँ पर आपको एक link मिल जाएगा. File download कीजिए और question answer शुरू कीजिएगा जल्दी से. Question number 2 कहता है, Mrs. Bala, a resident individual, owns a house in US and receives $2,000 per month. इनके घर है, डॉलर में रेंट आता है. आपको पता है, if an assessee is a resident individual, तो उसकी global income taxable होती है. तो अगर इनका एक घर इंडिया के बाहर भी है, तो वो भी इंडिया में taxable होगा. Double taxation के effect आते हैं, but CA intermediate में double taxation आपको करना नहीं है. अभी हम फिलहाल इनकी पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही निकालेंगे. डॉलर में दिया गया है, तो सबसे पहले आप डॉलर में ही कंप्यूट कर दीजिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बाद में उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टैक्स तो इंडियन करेंसी में ही देना होगा. शी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ $1,500 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19. अगर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस भी पे किए हैं, जो घर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस कर सकते हैं. यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन इंडिया, इंडिया वाले घर के भी अलाउड होते हैं. इंडिया के बाहर का भी घर है, अगर आप उसको टैक्सेबल कर रहे हैं, तो वो भी माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1500 माइनस हो जाएंगे, $1,500 हैं. शी ऑल्सो ओन्स अ 2-story हाउस इन मुंबई. ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर हर रेसिडेंस एंड द फर्स्ट फ्लोर इज लेट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ. एक घर है, 2 units हैं उसके, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर. यहाँ पर अगर एक घर के मल्टीपल यूज होते हैं, तो हम उसकी कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं. ग्राउंड फ्लोर को हम अलग कैलकुलेट करेंगे, NAV 0 मानेंगे, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. फर्स्ट फ्लोर वाला घर लेट आउट है, 10,000 पर मंथ उसका एक्चुअल रेंट आता है. एक्सपेक्टेड रेंट की अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट को कंप्यूट कीजिए, उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर कीजिए और GAV कैलकुलेट करें. लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेंट फॉर ईच फ्लोर. हर फ्लोर का स्टैंडर्ड रेंट 11,000 है एंड फेयर रेंटल 10,000 पर मंथ है. म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी गई है घर की. तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, जिसको कुछ स्टूडेंट्स एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं. तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट है, होता है क्या, रिवाइज करिए, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर. म्युनिसिपल रेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, फेयर रेंट को ही ले लेंगे. फिर 10,000 है पर मंथ. कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, 10,000 पर मंथ और 11,000 पर मंथ, यानी कि 10,000 ही आने वाला है एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 10,000 पर मंथ, पूरे साल का हो गया इंटू 12, 1,20,000. एक्चुअल रेंट भी क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर GAV आपकी 1,20,000 आएगी फॉर फर्स्ट फ्लोर. आगे गिवन है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द हाउस अमाउंट्स टू ₹7,500 फॉर ईच फ्लोर. नहीं दिया गया, पूरे घर के 7,500 पे किए गए हैं, तो आपको पता है इसको डिवाइड कर दिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में, 3,750 आएगा. ग्राउंड फ्लोर की क्योंकि आप NAV ही 0 ले रहे हैं, तो आप उसमें से 3,750 माइनस नहीं कर सकते. बट फर्स्ट फ्लोर की में से जब आप GAV लेंगे, GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कीजिएगा, 3,750 हाफ, और आपको NAV मिल जाएगी. आगे लिखा है मिसेस बाला हैज कंस्ट्रक्टेड द हाउस बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26-2012. एक पहले लोन लिया गया है. शी पेड रीपेड लोन ऑफ 54,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 24,000 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19. इंटरेस्ट भी पे हुआ 24,000 इस घर का. आधा आधा कर लीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का 12,000 12,000 दोनों ही अलाउड हो जाएंगे. हमारी मिनिमम लिमिट से भी कम ही है, सॉरी मैक्सिमम लिमिट जो 2 लाख होती है उससे भी कम ही है. तो 12,000 अलाउड हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर का, 12,000 अलाउड हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर का. द वैल्यू ऑफ $1 इज 60 रुपीज़. आपको जो US का घर है उसकी वैल्यू निकालिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इंडियन करेंसी में वैल्यू आ जाएगी. कंप्यूट द टोटल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस बाला. इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन और इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के बाद देखिएगा. मैं आपको प्रोविजंस बता देता हूँ, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप 3 कॉलम बना सकते हैं. फर्स्ट कॉलम इज फॉर US हाउस, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम इज फॉर मुंबई हाउस. वन इज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, अदर इज फॉर लेट आउट.
वहां पर यूएस के हाउस का आप डॉलर्स में कंप्यूट कीजिए, 2000 × 12 24,000 आ जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कीजिए, एनईवी आएगा। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दीजिएगा, 24B नहीं होगा क्योंकि उस घर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी यूएस के घर की। ग्राउंड फ्लोर मुंबई वाले घर की एनईवी जीरो है क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, प्लीज़ एक नोट दे दीजिएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी ग्राउंड फ्लोर की क्योंकि एनईवी ही जीरो से शुरू करते हैं। 24A जीरो, 24B इंटरेस्ट मिल जाएगा, 24,000 इंटरेस्ट है उसका आधा 12,000 मिल जाएगा। उसी तरीके से मुंबई फर्स्ट फ्लोर कि आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाला आपने 1,20,000, एक्चुअल रेंट भी 1,20,000 निकाला, वो वर्किंग नोट में शो कीजिएगा। GAV आएगी 1,20,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करें हैं 7,500, पूरे घर के आधे लीजिएगा फर्स्ट फ्लोर के। NAV आएगा 24A 24B दोनों की डिडक्शन देने के बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। तीनों की जब हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाए उन तीनों को ऐड करके दिखा दीजिएगा, दिस इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इजी क्वेश्चन है, करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।